ओके सो लाइक बिच्छू घर में आ गया, मतलब बिच्छू है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा, जन्माष्टमी से लाइक साथ में ही है आप लोगों के. जी हाँ, ये हमारे घर का आप कह सकते हैं बिन बुलाया मेहमान है बिच्छू, तो सबको परेशान कर रहा है. अब ये बिच्छू कहाँ से आया, कौन लेके आया इसको, किधर से हमारे घर पे आया, ये मिस्ट्री जो है वो रघु सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. और फिलहाल तो हमारे घर में जो केओस मचा हुआ है इस बिच्छू की वजह से, सब लोग जो भी कुछ भी मिल रहा है उसको मार फेंक रहे, कुर्सियाँ झाड़ू पत्थर जो भी मिल रहा है ये सब खलबली मची हुई है इसके बिच्छू की वजह से. क्योंकि बाबा को भी काट लिया है बिच्छू ने, मतलब काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है ये. हाँ वही बिच्छू, जिसने भी ये बिच्छू एज ए वेपन यूज़ करने का सोचा था उसने ये तो सोच लिया कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वाला मामला हो जाएगा, मतलब बहुत थिएट्रिकल जैसे कहते हैं फिल्मी टाइप का ये है. बट उसने ये नहीं सोचा कि ये बिच्छू पलट के उसको भी काट सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो देखते हैं, वो कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, वैसा भी हो सकता है क्योंकि बिच्छू किसी का के कंट्रोल में नहीं, मशीन तो है नहीं बिच्छू. अभी बाबा को बिच्छू ने काट लिया तो पता नहीं. आपको बाबा पे डाउट जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बाबा पे तो मैं बिल्कुल डाउट नहीं. बिच्छू कहाँ से आया, कैसे घर में आया, वो तो रघु को तब भनक लग गई थी जब गुंडे लोग हमारी चौल में जन्माष्टमी के दिन आए थे और धनक पे नज़र रखे हुए थे. और मैंने ईव्सड्रॉप किया था और सुना था कि वो धनक का नाम बार बार ले रहे हैं, और मुझे तभी पता चल गया था कि कोई ना कोई प्लान हो रहा है. तो आई थिंक तभी से मुझे शक हो गया था, बट ये बिच्छू का मामला होगा मुझे इतना मैंने सोचा नहीं था, इतना ऊपर तक जाएंगे. इसलिए रघु काफ़ी कंसर्न है धनक के लिए, मतलब वो अपने मतलब पुलिस स्टेशन जा भी रही थी तब भी आप उनको फोर्स कर रहे थे कि मैं छोड़ आता हूँ. रघु का भी एक ही फंडा है कि धनक को अकेला नहीं छोड़ना एक मिनट के लिए, और जहाँ वो जाएगी रघु साथ जाएगा, क्योंकि रघु बहुत डीपली कंसर्न है अभी उसको लेकर, क्योंकि धनक ने एक इम्पॉर्टेंट सबूत एक फाइल अपने घर पे ला के रख दी जिसकी वजह से शायद ये सब. अब वो फाइल क्या है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो रघु को भी नहीं पता, बट इतना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल है. बहुत वही है रीज़न है जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में जो है जा सकती है, इसीलिए रघु उसके पीछे लगा हुआ. ओके सो जैसे बिच्छू बिन बुलाए आ गए, वैसे कोई सेल्स पर्सन भी आया है कुछ पेपर्स वगैरह लेके, वो एक्चुअली क्या है पेपर्स? वो तो एक अद्भुत नया कैरेक्टर आया हुआ है जो मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक बड़ी बिजनेस डील है आपके लिए. और रघु के साथ ऐसा झांसा पहले हो चुका है, एक मदन आया था ऐसा डील लेके, बट वो फिर कुछ और ही मामला निकला. तो अभी रघु इतनी जल्दी आसानी से बिलीव नहीं करेगा उसमें, और वो क्वेश्चन करता है कि नहीं भाई मेरा जो है किस्मत उतनी अच्छी नहीं कि इतना बड़ा डील खुद चल के मेरे सामने आ जाए. तो आई हाईली डाउट दैट, और मुझे टाइम चाहिए और मुझे डिस्कस करना पड़ेगा अपनी वाइफ से. और ऑब्वियसली धनक बहुत नॉलेजेबल है, नो हाउ है उसको सब कुछ लॉ का, उसको वो ये सब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम आगे फर्दर देखते हैं वो बंदे के इरादे क्या. थैंक यू. अलग नया गाना है जिसमें परफॉर्म करते हैं, उस गाने के बारे में पहले बताइए. गाना है राधे राधे, और उस पर हम लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे, फुल टू डांस एंजॉय, बहुत क्रेजी हो रहा था. क्योंकि धनक जो है वो जब भी डांस करती है मेरे साथ तो कुछ अमेजिंग परफॉर्म करती है, और उसको ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अ वेल ट्रेंड एंड अ वेरी टैलेंटेड डांसर. और उसके साथ जब भी मैं परफॉर्म करने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब भी वो साथ में तो इट्स एक्चुअली इजी फॉर मी टू डू स्टेप्स, क्योंकि शी हैज़ दैट दैट वो कहते हैं ना एक वो जो होता है जो होल कोरियोग्राफी उनके माइंड में ऐसी जगह होती है कि आपको भी अगर आप कुछ ना करें आप खुद भी कर दोगे हर डांस, तो ऐसा है. सो आई रियली एन्जॉयड डांसिंग विद हर, और हमेशा ही ऐसा होता है कि मज़ा आता है परफॉर्मेंस में. और सबसे बड़ी बात आज ये थी कि हम तीन लोग कपल्स बन के, जो मेरे दोस्त है सोडा बाटी असलम वो भी कपल डांस करते हैं, हम तीन पहली बार एक साथ डांस कर रहे हैं. वरीड इसीलिए थे कि क्योंकि ऑब्वियसली रघु को शक हो गया कि समथिंग समवन हैज बीन कुकिंग अप सम काइंड ऑफ अ प्लान इन जो धनक है उसके खिलाफ. तो
रघु वही ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो गुंडे वगैरह क्यों आए हैं हमारे चौल, तो ये सब खुराफात चल रही है उसके दिमाग में। बट धनक उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है डांस वांस से, तो बट स्टिल उसका माइंड वही है। अब्राज से जानना चाहेंगे, मुंबई की दही हांडी देखी है क्या और देखने के लिए इंटरेस्ट? मैं हमेशा जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए क्योंकि मैंने हमेशा फिल्मों में देखा है और बहुत इंट्रीगिंग लगता था मुझे कि कैसे लोग ऊपर चढ़ के उसे फोड़ के वो जो डांस करते हैं, क्योंकि हर आपको ऑलमोस्ट हर मुंबई की बेस्ट फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, वास्तव में मैंने देखा था। तो मुझे एक वो शौक भी था कि कभी मेरे सामने हो वो देखो, और हमको ये करने का मौका मिला, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं फिजिकली थोड़ा सा अनवेल था, मेरा बैक में थोड़ा स्ट्रेन आ गया था, बट स्टिल आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले तो रघु से जानना चाहेंगे कि पापा के साथ बॉन्ड कर रहे हैं आप, थोड़ा बहुत क्या है वो सब? जी हाँ, मैंने पापा को जब पहली बार देखा तो काफ़ी सारे वो सर्ज ऑफ इमोशंस जो कहते हैं एक बेटे को, जो एक बेटे के दिल में बाप के लिए प्यार होता है, वो सब उभर के आए थे। क्योंकि रघु ने कभी बाप का प्यार देखा नहीं है, बस दूसरे लोगों से देखा कि बाप क्या होता है, कैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है। तो वो जो उसका इमोशनल आउटबर्स्ट था फादर के सामने, वो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि बचपन से ही वो, जैसे फादर को भी बोलता है कि बाप के प्यार के लिए तड़प रहा था। तो फाइनली जब उसके फादर उसके सामने आते हैं तो इट्स अनबिलीवेबल फॉर हिम, इट्स अ सरियल मोमेंट। बट एट द सेम टाइम माई इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट, शी इज़ टोटली अगेंस्ट मी बीइंग क्लोज टू माई फादर, और माई मुझे वॉर्न करती है कि यार भी ठीक नहीं है, इज़ अ बैड गाई, ही हैज़ ऑब्वियसली सम प्लान, दैट्स वाई वो यहाँ फैमिली में आया हुआ है। बट एक वो अंदर दिल का कनेक्शन जो माँ बाप के साथ होता है, तो रघु का अभी भी है, बट ये शक ज़रूर है रघु को भी कि हिज़ फादर माइट हैव सम ओन हिज ओन एजेंडा, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए वो उनको शक की निगाह से भी देख रहा है थोड़ा सा, बट पूरी तरह से उनको वो डिनाई नहीं कर सकता कि ये मेरा फादर है। इसीलिए माई को भी एक सीन में रघु जाके बोलता है कि प्लीज़ इंसानियत की खातिर उसको यहाँ रख लो घर पे, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, बट उसके दिल में तो बाप का प्यार ही है जो उसे सब कहलवा रहा है। ओके, साथ ही साथ पापा की एक और एक कह सकते हैं कि जो एक आदत है उनकी जन्माष्टमी की पूजा करने की, अब रघु वो ट्रेडिशन आगे बढ़ाने वाले हैं, तो क्या कह रहे हैं, खुद ने घर में जन्माष्टमी की पूजा रखी है? रघु जो पूजा करा रहा है उसका शायद मेन मकसद यही होगा कि फैमिली क्लोज आ जाए, एक साथ वापस मिलजुल के रहें सब लोग। इवन फादर की जो एंट्री हुई है, वो रघु तो चाहता है कि वो वापस फादर माई से मिल जाए और सब वन बिग हैप्पी फैमिली होके रहें हम लोग। बट अब क्या हो रहा है, उसके एब्सेंस में कौन से प्लान बन रहे हैं, और उसके बारे में कुछ नहीं पता, ही इज़ वेरी इनोसेंट अबाउट ऑल दिस, ही इज़ अननोइंग टू एवरीथिंग, बट देखते हैं इन टाइम एवरीथिंग विल अनफोल्ड इटसेल्फ। कुछ बातें अनजान है, लेकिन ऐसा कुछ रघु जान भी गए जैसे परेशान हो गए, धनक की जान पे जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो रेडी हो रही है जन्माष्टमी के लिए, कुछ मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं रघु धनक के बीच, और वही रघु थोड़े से टेंस्ड भी हैं। बस रघु और धनक अपना रोमांस के बीच में थे और कमिश्नर साहब का फ़ोन आ जाता है, तो मैं फ़ोन पिक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि रघु धनक की लाइफ पे कोई ख़तरा मंडरा रहा है। तो ओबियसली रघु जब ये सुनेगा बहुत परेशान होगा, और अभी रघु ने सोचा है कि ही विल स्टिक टू धनक, उससे दूर नहीं जाएगा, जहाँ वो जाएगी वो उसके साथ जाएगा और उसको उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेगा, ही विल प्रोटेक्ट हर। थैंक यू सो मच। क्या हो गया, मतलब हमेशा रोमांस के बीच में माई आ ही जाती है, लेकिन इस बार धनक कहीं निकल पड़ी है घर से। धनक को मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि अभी तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, तुम्हें चोट लगी है पैर पे, पर फिर भी मेरा बिना सुने वो निकल गई अपने फर्ज निभाने, पर ठीक है अपना फर्ज निभाने गई है, पुलिस से काम करने गई, कुछ अच्छा करने गई है, तो इट्स ओके कि अपना जॉब कर रही है, शी इज डूइंग गुड थिंग। ओके, लेकिन धनक हर बार कोशिश करती है कि आपकी ही भलाई करे हर वे से, चाहे वो अपने प्रोफेशनल वे से हो या पर्सनल वे से, इस बार भी वो मदद करें, आपकी ही जा रही है, आपके पापा का पता लगाने के लिए निकली है वो घर से, तो धनक क्या कहना? अच्छा हाँ, ऑब्वियसली रघु से जुड़ी हुई हर बात धनक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब उसे माई बताती है कि इनके पिताजी जिंदा है,
तो वो इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द पता किया जा सके कि ये जो खबर है वो सच है या झूठ, क्योंकि अगर ये सच है तो रघु को पूरा हक है अपने पिता का प्यार मिलेगा। ठीक है चलिए, ये सब तो हो गया, बट एक और मुसीबत घर पे आप दोनों का इंतजार करे। आई थिंक सो इनको अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला है, रिएक्शन देखना है। आप बता दीजिए कि क्या है, तो वो रिएक्शन शायद अच्छा देंगे। माई ने बेडरूम और हॉल के बीच की दीवार गिरा दी ताकि हम रोमांस कर सकें। सच में ऐसा हुआ? अमन सेट थोड़ी माई हर माई माई तो पूरी हदें पार कर रही है। ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है रोमांस यार, कैसे होगा? मतलब आपके रोमांस से उनको इतना ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं, दर्द होता है शायद, क्योंकि वो एक बार बिस्तर जलाती हैं, कभी छत टपकवाती हैं, इस बार तो उसने हदे पार की दीवार गिरा दी। पार भी यार, क्या करें अभी, पर्दे ऑर्डर करें। मेरे हिसाब से कल छतरी के नीचे रोमांस देखकर काफी इंस्पायर हो गई है, उन्हें ये पता चले कि हम दीवार तोड़ दें, कुछ भी कर दें, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। हम लोग छत पे फिर से टेंट बनाएंगे। कोई बात नहीं, रघु रघु को क्या है, वो कहीं भी चौल में किसी के साथ रोमांस कर सकता है, कहीं पर भी कहीं पर भी चालू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अभी माइक के अगर पति आ रहे हैं, हमारे पापा आ रहे हैं, अरे माइक को सुनना चाहिए था कि यार हमें यहाँ ससुर जी को ला रही है, तुमने दीवारें गिरा दी। सब कुछ खुल्लम खुल्ला मतलब आसपास बैठ के देखेंगे मतलब यहाँ पर फिर डबल कपल रोमांस होगा चाहे। इधर सोफे में माई और ससुर जी बैठे, इधर मैं फिर माई डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। उनका इसीलिए मैं ला रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सरप्राइज, क्योंकि रघु धनक से बहुत प्यार करता है, और अगर धनक कुछ आउट ऑफ द वे जाके रघु के लिए कुछ करे तो उससे बड़ी बात रघु के लिए कोई हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी नहीं था कि धनक ऐसा करेगी। प्यार करती है ऑफकोर्स, बट इतना हद तक प्यार करती है कि ये सब कर देगी, इतना प्लानिंग कर देगी और खुद आके दुल्हन बन के बैठ जाएगी, वो सब नहीं रघु ने एक्सपेक्ट किया था। बट बहुत अच्छा लगा ये जान के। हाँ, एक बहुत ही मिस्चीवियस किस्म का अवतार निकल गया है, उसने जो प्लानिंग की है वो शायद उसने वो कहावत को सीरियसली मान लिया कि लोहा लोहे को काटता है, तो वो हमारी फैमिली में रह के उसने कुछ पैतरे सीखे हैं, अब वो वही हमको मतलब अप्लाई कर रही है हम लोग पे, हम मुझ पे नहीं बट मेरी फैमिली पे, जिससे वो ये सब गेम कर रही है और इतना सारा उसने प्लानिंग किया है, और हमारी फैमिली उस मेंबर्स भी उसमें शामिल है जो धनक का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी एक बहुत ज़्यादा क्रेजी सिनारियो था कि कैसे धनक के पापा जो इतने शरीफ से हैं और उसकी जो बहनें हैं, उन लोग ने भी गन उठा के सबके माथे पे तान दिया कि नहीं इस बार तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने कंफर्टेबल क्यों थे बहुत पहले से शादी को लेके, कि रघु बहुत कंफ्यूज था कि यार कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, पापा जिनकी खुद की बेटी की के जो उसका दामाद है वो दूसरी शादी कर रहा है, अभी तक पहली शादी टूटी नहीं, वो भी कंफर्टेबल है, तो ये सारा गेम प्लान था। अब समझ आ रहा है रघु को, रिक्वेस्ट ये तो नहीं थी बट दिल से ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट थी कि किसी तरह से कुछ ऊपर वाला सुन ले और माया की जगह धनक आ जाए, बट मुँह से तो बोला नहीं था ऐसा, बट रघु की ऊपर वाले ने सुन ली और सच्चा प्यार है तो क्यों नहीं। हाँ जी, क्यों, मॉडर्न जमाना कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था जो हुआ, कि इतनी प्लानिंग करके रखी थी धनक ने कि अगर सब कुछ फेल हो जाएगा तो रघु को ही भगा के लेके जाऊँगी, और वो भी हथकड़ी पहना के भगा के लेके जाऊँगी। काफ़ी धनक का जो अपना सिग्नेचर स्टाइल है, हर बार हर शादी में हथकड़ी निकल के आती है, इस बार भी आई बट एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे मूव के लिए आई, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फुल महाराष्ट्र लुक, यस, वाइट शेरवानी विद वाइट धोती विद
दिस रेड स्ट्रोल और ये सहरा और ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल मराठी एक्सेसरी जो शादी में पहनते लोग और ये मोती वाला हार काफ़ी जच रहा है मेरे ख्याल में. बहुत हो गया सीधापन, अब टेढ़ा होना ही पड़ेगा. तो बस मैं सजा रही हूँ, ये मेरा तरीका है, थोड़ा इनोवेटिव तरीका है माया को दुल्हन बनाने का. भाई ऐसी पार्लर वाली तो किसी दुल्हन को, मेरे दुश्मन को भी ऐसी पार्लर वाली गलती से भी ना मिले. दुश्मन तो मैं ही हूँ. तो मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जितना भी सारा मास्टर प्लान आप पे निकाला था, एक ही दिन में सारी कसर धनक ने निकाल ली. इसको पता है ना मेरी वीकनेस क्या है रघु, तो उससे ही कनेक्टेड इसको कोई ना कोई चीज़ करनी थी रिवेंज लेने के लिए. बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक बार ही ऐसा करो जो सब पे भारी हो जाए, तो बस वही किया है मैंने. एक बार आप यहाँ पे एक बार करिए, बट माई एक और बार आप पे तान के आई थिंक सो खड़े रहने वाली हैं. वो पता चलेगा जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा किसने बंदूक तानी, किसने वार किया, कौन जीता और कौन रघु को लेके फरार हुआ, सब आपको पता चलेगा. ओके, सो आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, सो लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप. हम दोनों ने प्रॉपर नवारी साड़ी पहनी है. मैंने काफ़ी टाइम बाद नवारी साड़ी पहनी है, जो मेरी पहली शादी हुई थी, जो भी इसकी वजह से टूटी थी वो रघु ने तोड़ी थी यार. मैं उसमें बिल्कुल निर्दोष थी. उसमें भी मैंने नवारी पहनी थी. आई लव द कलर, इट्स अ टू शेडेड साड़ी, इट्स रॉयल पिंक एंड रेड, जो दोनों मेरे बहुत फेवरेट है, स्पेशली रेड कलर. सो आई लव्ड माई साड़ी एंड मेहंदी. यस, मुझे मेहंदी के बास बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे ये जो कलर आता है, फ्रेग्रेंस, स्मेल इज ऑल्सो बास. सो जो फ्रेग्रेंस होती है वो मुझे नहीं पसंद जैसे दूसरों को पसंद होती है, बट मुझे ये जो कलर आता है वो बड़ा सुंदर लगता है. तो मैंने खास रघु के लिए ये मेहंदी लगाई थी, बट उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी, थैंक्स टू हर. सो बिकॉज मेरे पति की शादी है, तो मैं बहुत अच्छे से सजी हुई हूँ. और आई थिंक अगर मेरी शादी होती तो मैंने नथ भी पहन ली होती, बट बस एक वही कमी है. बाकी मैंने रानी शेड की नवारी पहनी है और ज्वेलरी, चूड़ा. आज मैंने पहली बार चांद बिंदी भी लगाई है, जो धनक ने अभी तक किसी भी लुक में नहीं लगाई थी. एंड बहुत अच्छे से सजी हूँ, पति को जला भी रही हूँ और भगा भी ले जाऊँगी. सजने संवरने की बात हो रही है, तो आप रघु को भी सजा रही है, उन्हें भी आप शौक पे शौक दे रही है. इतनी स्वीट बन गई है धना. जो ये लोग चाहते थे मैं वही कर रही हूँ यार, बस थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ. बार कर तो वही रही हूँ ना, तुम ये लोग चाहते थे यार, बस तब भी प्रॉब्लम में करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो. थैंक यू माई. मतलब आपका ही सिक्का खोटा निकला है, क्या करें. मतलब क्लास लग रही है अभी माया की, क्या ही हो सकता है. और माया का क्या कहेंगी? माया के साथ कुछ नहीं हो सकता. फाइनली सावित्री माई जो इतनी खुन्नस में है धनक के, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि माया धनक से कम्पीट नहीं कर सकती, धनक का मुकाबला नहीं कर सकती, माया से कुछ नहीं होगा, फाइनली धनक ही जीत जाएगी. अब ये माई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो बहुत कोशिश कर रही कि इतनी हद तक कोशिश कर रही कि खुद दवाई दे के बोल रही उसके दारू में, लघु के दारू में डाल दे, उसको पिला दे, ताकि जब एक बार तुम दोनों करीब आ जाएंगे तो वो किसी और लड़की की तरफ, भले ही वो धनक भी हो, मुँह उठाकर कभी नहीं देखेगा. तो कोशिश कर रही है, मगर अब माया का नसीब ही ऐसा, तो क्या करेंगे, नसीब में है ही नहीं रघु. लास्टली क्या लग रहा है, इतना सब करने के बाद भी माया से ही पैतरे आजमाएंगे या फिर माई को ही कुछ करना पड़ेगा? फाइनली माई को ही करना पड़ेगा, माया तो थक हार चुकी है. देखा ना एकदम वो ऐसी हो गई, देवदासी हो गई, देवदास हो गई है, तो माई को ही कुछ करना पड़ेगा. करेगी माई, चलो कुछ करेगी. थैंक यू. जी, तो
ओबियसली उसका बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो होगा ही, फैमिली मेम्बर है. और ओबियसली दाना का रघु के बीच में सब सही नहीं चल रहा है, तो रघु के अपने रीजंस हैं माया का बर्थडे इतने स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने के. वो माया के साथ हैं, माया से अब शायद प्यार व्यार करने लगे हैं, माया को पसंद करने लगे हैं, तो उनके अपने रीजंस हैं, तो अच्छी बात है माया का सेलिब्रेट कर ले. मैं तो अभी भी पतिव्रता, पति तलाक हुआ नहीं है मेरा, तो मैं अपने पति के साथ जो मेरा एक महीना बेचारी रो रो के ही पूरा हुआ, तो मैं उसी को मना के खुश हूँ. कैसा एटीट्यूड है रघु का, बेचारी इतनी एफर्ट्स कर रही है और रघु की मानने के लिए तैयार नहीं है. जब रघु रूठता है तो उसको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अभी जो गलती धनक से हुई है उसके बाद रघु चाहता है थोड़ा सा और मनाए और मनाए. अब देखते हैं कब मानेगा रघु. इसके बाद जो गलती आपसे होने वाली है ना, उसमें देखती हूँ मैं आप कितना मनाते हैं. माया के लिए जो गिफ्ट्स है वो भी आपने स्पॉन्सर किए हुए. मैंने स्पॉन्सर नहीं किए वो, हाँ एक्चुअली एक गिफ्ट मैंने स्पॉन्सर किया है, और इनका तो स्पेशल गिफ्ट है स्पेशल पर्सन के लिए. डांस परफॉर्मेंस कौन करने वाला है, परफॉर्मेंस मैं करने वाली हूँ, घाटी डांस कोई और करेगा. घाटी डांस परफॉर्मेंस तो मेरी है. बारिश के सीजन पे समर जो एंजॉय कर रहे हैं आप, पता नहीं बादलों को क्या हो गया यार, बरस ही नहीं रहे तो गर्मी बहुत बढ़ गई है. और मना लो माया का बर्थडे, माया के बर्थडे पे ही हो गया, दिन में मना रही है, भी नहीं कि रात में मनाओ. ठंडी हवा हवा कुछ जल रहा है, भगवान भी जल रहे कि जाओ मैं मौसम ही रुहाना नहीं करूँगा, मनाओ तुम बर्थडे. याद है हमारे मोमेंट्स पे कितने अच्छे अच्छे मौसम रहे थे. इतना तो मैं मानता हूँ. थैंक यू. जी हाँ, परेशानियों के बादल मेरी ज़िंदगी में मंडरा रहे हैं, और तो वो काले घने बादल होते जा रहे हैं क्योंकि रघु दिन ब दिन मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं. कभी कुछ अब तो माया से शादी करने का बोल दिया इन्होंने, तो धनक बहुत हर्ट है कि ठीक है जाओ कर लो शादी, तुम भी क्या याद करो कि मैं भी तलाक दे के जा रही हूँ. ये तुमने क्यों कहा, ये क्यों? समझ नहीं आया. एक्सक्यूज मी, आप तला दूसरी शादी की बात कर रहे हैं और मैं ये भी नहीं कह सकती. हाँ बट अचानक से क्या प्लान है, तो कुछ प्लान चल रहा है धनक के. जब कहते हैं ना कि घी उसी भी उंगली से नहीं निकलती, वही कर रही हूँ. डंडे मार के लाइन पिलाऊंगी, बहुत हो गया ही रिक्वेस्ट, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना, कुछ नहीं होगा. सिंपल वर्ड्स में मैं पागल हूँ. वो तो मैं हुई, मेरा दिमाग सही रास्ते पर नहीं है, बट मैं धनक को ज्यादा से ज्यादा हर्ट करना चाहता हूँ. सी हाउ मी. हाँ यार अभी मेरा माइंड सेट ही वैसा, क्या करूँ, स्टेट ऑफ माइंड वैसा ही बन गया है, क्या करूँ अभी मैं. तो धनक को इस बात से प्रॉब्लम हमेशा थी कि माया. धनक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लीज क्लियर करना चाहूंगी मैं ये बात. माया आपसे प्यार करती थी, आप माया के दोस्त थे, आपको मुझसे प्यार हो गया, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली. धनक को माया से कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहीं ना कहीं धनक को बुरा तो लगेगा ऑब्वियसली ऐसी बात से, वो मेरा मीनिंग था, मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो गए. वो बहुत शब्द ही बहुत कुछ होते हैं. ओके तो इससे धनक को बहुत बुरा फील होगा, तो रघु इस वक्त धनक को बुरा फील कराना चाहता है, उसको नहीं कराना चाहिए, बट ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए रघु ये सब कर रहा है. लेकिन अगर माई की बात करिए तो मतलब पहले भी उनके जहन में माया थी एज अ बहू, और अब फिर आपने जो डिसीजन लिया है उनके लिए शायद अब वो... हाँ कहीं ना कहीं वो भी है कि रघु अपनी माई को अब हमेशा खुश देखना चाहता है, क्योंकि जो उसकी माई के साथ जेल में हुआ उसके बाद तो वो पूरा ही धनक से जितना नाराज़ है उससे ज़्यादा माई का प्यार उसके लिए और बढ़ गया है, और माई जो चाहती थी हमेशा से माया उसकी सुनबाई बन के घर आए, तो वही कर रहा है, माई को खुश भी कर रहा है और साथ साथ में धनक के साथ उसको हर्ट भी कर रहा है. बढ़ गई है कि अब अगर रघु कुछ अच्छा काम भी करने जाते हैं तो आपको डाउट होने लगता है कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं. आज भी मतलब आपके फादर के पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और आपने ये सोचा कि हफ्ता वसूली कर रहे हैं वो. नहीं नहीं एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है
एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है कि रघु ने बोल दिया है कि वो वापस गुंडा बनने जा रहा है, तो वापस गलत काम ही करेगा. तो ऑब्वियसली अगर सामने वाला गलत रास्ते पर चल रहा है तो किसी के भी दिमाग में आएगा कि अगर वो उसको मार पिटाई करते देखे, वो भले ही अच्छाई के लिए मार रहा हो, बट पहला थॉट तो ये जाएगा ना कि यार इसी ने बोला था अब ये गलत काम करेगा, और देखो इसने शुरू भी कर दिया. तो सेम प्रोसेस रहा धनक का, जब वो देखती है तो उसको वही थॉट आता है कि यार रघु ने फिर से गलत क्यों जा रहा है गलत रास्ते पे. शी इज़ स्टिल कंसर्न्ड अबाउट हिम कि उसे भरोसा है कि उसे नहीं जाना चाहिए, बट जब वो देखती है तो उसके दिमाग में आता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो वो बोलती है कि क्यों कर रहे हो, फिर उसे पता चलता है कि नहीं इसने तो पप्पा की मदद करी, तो उसे बहुत प्राउड फील होता है कि एक समवेयर एक जो उसका विश्वास है वो और मजबूत हो जाता है कि नहीं अभी उसका वाला रघु जिंदा है. अच्छा, तो ये जो आपका वाला जो रघु है जो पता नहीं अब कहाँ जाके छुपा है गिरफ्तार होने के बाद, अपनी ही शादी के दिन अरेस्ट होने के बाद, उसको वापस कैसे जगाएंगे आप? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आज उन्होंने चोर की पिटाई करी, वो सारा गुस्सा आपका था, वो बेचारा चोर पिट गया. चलो निकल तो गया गुस्सा कहीं तो निकला. थोड़ा ऐसे ऐसे दूसरे लोग पिटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो वो प्यार वापस आ जाएगा. फिलहाल आई एम ट्राइंग, धनक कोशिश कर रही है, तिगड़म आइडियाज लेकर आ रही है कि कुछ तो ऐसा करो जिससे रघु का प्यार वापस आए. पर वक्त है, हर चीज़ जब बिगड़ जाती है तो सुधरने में वक्त लगता है, तो रघु को भी वक्त लगेगा पर सही हो जाएंगी चीज़ें. आज मतलब जो कुछ भी हुआ पिछले दो तीन दिनों में, उसके बाद रघु इतने ज़्यादा गुस्से में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर का जो गुबार था गुस्से का, वो फाइनली अब धनक धनक पे निकल रहा है. किसी भी हालत में आपको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है रघु. जी हाँ, रघु के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पहाड़ बन गया है, और माई ने एक और क्या कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम, एक और चीज़ उन्होंने कर दी, अपनी चाल चल दी है. अब रघु का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा. तो धनक बहुत ही अभी शैटर्ड फील कर रही है कि क्यों भरोसा नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट ने गलती करी है, सज़ा मुझे दे रहा है. तो हाँ, वो बहुत उदास है बेचारा. अच्छा माई, क्या क्या सज़ा मिलने वाली है धनक को? तो हर रोज़ कोई नई सज़ा मिलेगी अब धनक. रघु को अपने गुस्से पे कोई काबू नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी, या तो मेंटली या कैसे भी वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे फिजिकल हार्म हो, कुछ भी कर सकता है. रघु तो अभी पूरा पागल हो गया है. बट कितने प्यार से आपने मिसल पाव बनाया था, मुझे लग रहा है वो भी खाने का मन नहीं है इनका, या तो पेट भरा है या फिर मिसल पाव ही पसंद है. मिसल पाव तो पसंद है, पर बिकॉज मैंने बनाई है इसलिए इस बात पे ये गुस्सा है और नहीं खाना चाहते. अच्छा लास्टली, ये जो बड़ा सरप्राइज माई को दिया है रघु, कितनी मेहनत की है? वो सरप्राइज़ तो था ही माई के लिए, बट उससे ज़्यादा वो ये था कि धनक को दिखाना था कि माई से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और धनक की जगह जो है उसके दिल से निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. तो वो प्रूव करने के लिए उसने माई की सारी 27 फोटो लगाई, क्योंकि 27 बार माई को जेल में मार पड़ी थी. तो वही प्रूव करने के लिए रघु जो है ये सब नाटक कर रहा है. एक लास्ट चीज़, आज धनक मुझे ऐसा लग रहा है कि रघु को बनाने के लिए अपनी जान पे भी खेलने वाली हैं, छत से कूदने वाली हैं आप, और शायद ही बचा लेंगे. मतलब कहीं ना कहीं प्यार अभी भी है जिंदा, भले नफरत कितनी भी हो. प्यार, जहाँ प्यार होता है नफरत लड़ाई झगड़ा सब वहीं होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ आप केयर ही नहीं करते. केयर ही ठीक है, तो प्यार तो है तभी नफरत है. आ जाएगा प्यार और वापस आ जाएगा. ऐसा होने वाला है, मुझे पता है. माई कहते ना, मतलब वापस आ गई है, शी इज बैक. क्या कहेंगे माई? माई वापस आ गई है, और साथ में मेरे बेटे को भी खींच के वापस लेके आई है. तो अब माई शायद सुकून से अपना पैक भरेगी शाम को. रघु के नालातों से गुजर रहे हैं आप, बहुत ही धोखा मिल गया है कहीं ना कहीं. धोखा तो मिल गया, क्योंकि अभी धनक से एक्सपेक्टेड नहीं था. अब रघु का जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया, वापस गुंडागर्दी पे उतर आया, वो अपने गुस्से पर उतर आया है. और माई का भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ तो है कि नहीं? नहीं, रघु को तो ऐसा नहीं लगता. अब वक्त ही बताएगा कि माई कौन सा मोड लेती है, अपना कौन सा प्लान करके क्या करती है, कौन सा षड्यंत्र. शॉकिंग है, धनक को वापस नहीं आई है माई, मतलब क्या कुछ किस तरह से मनाया धनक को? देखो, अब बात यह है ना कि धनक ने सब लोगों के सामने ड्रामा किया, माफ़ी मांगी, तो अब अगर मैं उसको माफ़ नहीं करती इस वक्त,
तो फिर मैं विलन बन जाती ना, और माई तो बहुत भोली भाली है, वो विलन है ही नहीं, जो भी करी अपने बेटे को पाने के लिए, अपने बेटे का बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है, उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, इसलिए कर रही है, इसमें गलत क्या है, तरीका भले कोई भी हो। हाँ बट माई तो प्यार करती है ना बेटे से, कोई भी तरीका, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ से जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं धनक के लिए नफरत में बदल रही है रघु का वही प्यार, तो फिर वो जो दिखने भी वाला है कुछ तोड़फोड़ करने वाले रघु मेजर 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 बहुत तोड़फोड़ होगी, देखो सब कुछ टूटेगा फूटेगा, सर्वर टूटेगा, हर रोज कुछ नया टूटेगा। शादी के दिन आप इतना खुश थे और अब हाथों में हथकड़ी। जी रघु की किस्मत ही कुछ ऐसी है कि हमेशा उसके साथ पंगा होता रहता है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, और ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खुशी वाला मौका था, बट इस पे भी पानी फिर गया इस खुशी पे भी, क्योंकि शादी ख़त्म होने के बिल्कुल बाद रघु की जो पूरी पलटन है माई के साथ सबको अरेस्ट कर लिया गया, और खुद धनक ने किया है, और धनक के पास डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांग रीज़न रहा होगा ये सब करने के लिए, वरना वो इस खुशी के मौके पे नहीं करती, क्योंकि इससे पहले भी उसने रघु की छोटी मोटी गलतियां, इवन क्राइम टाल दिया है, तावड़े के वक्त उसने रघु का सपोर्ट किया जबकि रघु ने घूमने के लिए उसको मारा पीटा था, बट यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ बड़ा इशू हुआ जिसकी वजह से धनक को ये ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा, तो डेफिनेटली इसके पीछे तो बहुत बड़ा कोई ड्रामा छुपा हुआ है जो आगे भी है। लेकिन क्या आप कभी धनक को माफ़ कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि आप बहुत खुश हैं शादी के लिए, इनिशियली धनक भी बहुत खुश थी जब तक उसको आप पे डाउट नहीं हुआ था या आई पर डाउट नहीं हुआ था, जो रघु ने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारा प्लानिंग किया था इस शादी को लेकर, उसके बाद की प्लानिंग सब कुछ कर चुका था, हनीमून के प्लान्स थे, उसके आगे के प्लान्स थे, बट अभी इतना बड़ा शॉक लगा है रघु को, तो डेफिनेटली पता नहीं रघु इससे कभी उभर पाएगा कि नहीं, जेल जा रहा है अभी, और उसके बाद वो और उसकी फैमिली का, उसकी फैमिली का तो पता नहीं, बट रघु का डेफिनेटली काफ़ी एक चेंज और देखने को मिलेगा धनक की तरफ, और पता नहीं कैसे माफ़ कर पाएगा उसको या खुद को। अच्छा तो माफ़ नहीं कर पाएंगे तो क्या बदला लेंगे आप पूरा ही शादी के दिन दूल्हे को अरेस्ट करवा दिया? देखिए वो प्यार तो बहुत करता है और प्यार ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, कुछ भी करो आप प्यार तो हमेशा दिल में रहता है, डेफिनेटली नाराज़गी तो रहेगी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मान जाएगा रघु, बट हाँ बदला लेने का भी उसने सोचा नहीं, तो शायद कुछ और तरीके से कुछ करे, बट बदला तो फिलहाल नहीं, हो सकता है, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच। बोला नेक्स्ट टू माया का, अच्छा नहीं था माया का रियल नाम ही भूल जाती है, प्रगति प्रगति इसी से प्रगति। फ्लैश तो मारना पड़ेगा ना भाई? नहीं मेरे फ्रेम में आ गया, अब मारो। कैसा होगा आईपीएस और डॉन का गठबंधन? क्या तुझे मालूम है ना फ्लैश कर रहे हो? लास्ट होगा, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना, थोड़ा पीछे हो जाते हैं ना, सब हो जाते हैं, सब आ जाएंगे ना, तुम आधे लोग जाएंगे। नहीं नहीं मैं नहीं डरती। अरे उसको वैसे ही चलेगा, हां तो कर रहा हूं, कितना आपको आपसे बोलने की जरूरत बोला। अरे गाना गया तुम मैं, अरे वो चल ही नहीं रहा है केक से पहले इसको बहुत बेटे थोड़े यहां पे राउंड में चला दे जाने दो इसको जाने दो सब लोग आ कुटी आ जी आ चलिए सब जा फूंक मारो हिप हिप ओए
मैंने कुछ नहीं किया, वो सब हो गया। भाई के साथ धनक मैम धनक सर मैम कैमरे की तरफ करो धनक मैम और सर सर यहाँ पर हमारे खाने में लाएंगे ना।